Class 6th students, today I will teach you in Moral Science subject, Chapter 3, The Faithful Nurse. It is very interesting and real story. आपको बहुत अच्छी लगेगी. Panna was the trusted nurse of Queen Karnavati, the wife of Rana Sangha, the king of Mewar. Rana Sangha died when his son Uday Singh was a mere child. After the death of the king, the queen fell seriously ill. When she realized that her death was near, she called Panna. Putting Uday Singh into her arms, the queen said, Panna, I am entrusting my little one to your care. Please take care of him after I am gone. He is the future ruler of Mewar. She see that no harm comes to him until he is able to rule over the Mewar. Panna promised to do as she wished. A few days later, the queen died. Panna Rani Karnavati ki dasi thi. Aur Rani Karnavati jo ki Rana Sangha ki wife thi. उनका पुत्र जब हुआ, कुछ दिनों बाद राणा सांगा की मौत हो गई. राणा सांगा की देहांत के बाद रानी कर्णवती भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई. एक दिन उन्होंने पन्ना को बुलाकर कहा कि पन्ना, मेरे इस बच्चे का ध्यान रखना, ये भविष्य है मेवाड़ का, और देखना उसको कोई नुकसान न होने पाए, और मैं तुम्हें उसे सौंप रही हूँ. और ये कहने के कुछ दिनों बाद, और उन्होंने वादा भी लिया कर्णवती ने, और कुछ दिनों बाद उनकी उनका भी देहांत हो गया. पन्ना ब्रॉट उदय सिंह अप अलोंग विद हर सन हु वाज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज. सिंस उदय सिंह वाज अ मेयर चाइल्ड, द राजपूत चीफ नेम्ड बनबीर सिंह अ रिलेटिव ऑफ उदय सिंह एज द रूलर ऑफ मेवार अंटिल उदय सिंह केम ऑफ एज. पन्ना अपने बेटे के साथ, जो कि उदय सिंह के एक ही उम्र का था, उस राजकुमार को बड़ा करने लगी, जिसका नाम उदय सिंह था, और वह उसका और पन्ना का बेटा एक ही उम्र का था. दोनों को वह बड़ा करने लगी, और जब तक उदय सिंह बड़े ना हो जाए, तब तक एक रिश्तेदार बनबीर सिंह नाम के व्यक्ति को मेवाड़ का राजा बनाया गया. लेकिन बट बनवीर सिंह वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ टेम्पररी किंगशिप. हे वॉज कनिंग एंड क्रूअल. हे लॉन्ग टू बी द किंग ऑफ मेवाड़, ही सेड. टू हिमसेल्फ, इफ आई गेट रिड ऑफ उदय सिंह, आई विल बी एबल टू रूल मेवाड़ अनचैलेंज्ड अंटिल माई डेथ. He decided to get rid of Uday Singh. He did not want to hire a killer to carry out his evil designs because he trusted nobody. He therefore resolved to do the killing himself. Uday Singh, Banveer Singh jo tha, wo bahut cruel tha aur beiman bhi. Usne socha ki agar Uday Singh ko raste se hata diya jaye तो मैं हमेशा के लिए राजा बन जाऊंगा. ये प्लान करने में उसने किसी को भी शामिल नहीं किया, क्योंकि वह किसी पर विश्वास नहीं करता था. वह किसी को मर्डरर को, मतलब ऐसे किसी मर्डरर को उसने हायर भी नहीं किया कि वो उदय सिंह का मर्डर करे. उसने सोच लिया कि ये काम वो खुद ही करेगा. पन्ना न्यू बनवीर सिंह वेल. शी वॉज अ श्रूड एंड वाइज वुमन and had known him to be a selfish and unscrupulous person. Panna Banveer Singh ko bade acche se jante thi, aur Panna bahut chala aur aurat thi, imandar aur chalak aurat thi. Vah jante thi ki jo Banveer Singh hai, woh bahut hi selfish aur
निर्मम क्रूर व्यक्ति है, अनस्क्रपुलस मतलब क्रूर पर्सन। शी ऑल्सो न्यू हिज इविल डिजाइंस, वह उसके बुरे इरादों को भी समझती थी। सो शी वॉज ऑलवेज ऑन गार्ड अगेंस्ट रणवीर सिंह इविल स्कीम्स, वह हमेशा ही उदय सिंह को गार्ड करके रखती थी और रणवीर सिंह के बुरे इरादों को कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। वो समझती थी कि वो उदय सिंह को नुकसान पहुंचाएगा एक न एक दिन। वन नाइट एन ओल्ड सर्वेंट हु कीप अ वॉचफुल आई ऑन एनी सस्पिशियस एक्टिविटी अराउंड द पैलेस केम रनिंग टू हर एंड सेड, एक रात को एक बूढ़ा नौकर जो कि बड़े ध्यान से पैलेस के सब लोगों पर ध्यान रखता था और कोई भी हलचल हो उस पर भी, महल के हलचलों पर भी ध्यान रखता था, वो दौड़कर किसके पास आया, पन्ना के पास, और क्या कहा, पन्ना बनवीर सिंह सीम्स टू बी डीपली एजिटेटेड ओवर समथिंग, पन्ना ये जो बनवीर सिंह है वो बहुत उत्तेजित है किसी बात को लेकर। ही हैज एंटर्ड द पैलेस एंड इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, वह महल में घुसते ही तुम्हारे इस तरफ ही आ रहा है। आई हैव कम टू वॉर्न यू अबाउट हिम, मैं तुम्हें वॉर्न करने आया हूँ। आई फियर हिज इंटेंशन, मैं उसके इरादे से डर रहा हूँ। ही हैज टू लीन एंड हंग्री लुक, उसका जो देखने का वो है बहुत खतरनाक है, वो बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह चला आ रहा है। नाउ यू हैव टू डू वॉट एवर यू कैन टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रिंस, तुम क्या कर सकती हो देख लो, राजकुमार को बचाने के लिए तुम क्या कर सकती हो। पन्ना न्यू इट वॉज टेरिबल मोमेंट बट शी डिड नॉट लूज हार्ट, शी मेड हर हार्ट स्ट्रांग एंड विदाउट एनी डीले, पन्ना समझ गई कि बहुत खतरनाक समय आने वाला है लेकिन वह डरी नहीं, उसने अपने दिल को मजबूत किया और बिना देर की। She removed the royal clothes and ornaments from the prince's body and put them on her own son. Then she placed him on the prince's bed. She hid the prince in a basket and covered him with leaves and flowers. उसने जल्दी जल्दी राजकुमार के जो शाही वस्त्र थे और गहने थे वो उतारे और अपने बेटे को पहनाया और बेटे को उसी जगह सुला दिया जहां पर उसका राजकुमार सोते थे, और राजकुमार को जल्दी से एक बास्केट एक टोकरी में डाला और उसमें पत्ते और फूल से उनको ढक दिया। शी सेड टू द सर्वेंट, और नौकर से कहा, कैरी दिस बास्केट आउट ऑफ द पैलेस थ्रू द बैक डोर, वेट फॉर मी आउटसाइड द टेम्पल अंटिल आई कम, देन वी शैल डिसाइड वॉट टू डू, मेक हेस्ट लेस्ट बनवीर सिंह शुड कम हियर। द सर्वेंट पिक्ड अप द बास्केट एंड वेंट आउट इमीडिएटली, उसने जल्दी से उस नौकर से कहा कि तुम जल्दी इस बास्केट को ले जाओ और पीछे के दरवाजे से, महल के पीछे के दरवाजे से मंदिर में रुकना जब तक मैं ना आ जाऊं, फिर हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है, और तुम जल्दी जाओ बनवीर सिंह के आने से पहले। नौकर भी जल्दी से टोकरी उठाया और निकल गया। एज सून एज द सर्वेंट वेंट अवे बनवीर सिंह केम देयर ब्रैंडिशिंग अ सोड इन हिज हैंड एंड विद हैविंग एंगर फॉर उदय सिंह लाइफ इन हिज आईज। उतने में ही जब तक नौकर गया तब तक वो नौकर गया, बनवीर सिंह तलवार लहराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और गुस्से से उदय सिंह की तरफ ढूंढने लगा, उदय सिंह कहाँ है, वो चिल्लाया गुस्से से कि कहाँ है राजकुमार। पन्ना डर के मारे कांप रही थी और उसने केवल उंगली दिखाई कि उधर है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, और ही रश टू द बेड एंड किल्ड द चाइल्ड इन अ मोमेंट। बनवीर सिंह दौड़ के बिस्तर की तरफ गया और उसने एक भी मिनट नहीं लगाया उस राजकुमार को मारने में, उसने राजकुमार का कत्ल कर दिया। वार्निंग पन्ना अगेंस्ट स्टॉकिंग
टू एनी वन अबाउट दिस मैटर, और पन्ना को उसने धमकाया कि तुम किसी को ये सब नहीं बताओगी। ही लेफ्ट द पैलेस, और वह राजमहल छोड़कर निकल गया। पन्ना सॉ हर ओन चाइल्ड बीइंग मैसेकर्ड बिफोर हर आइज, पन्ना की आंखों के सामने उनका अपना बच्चा कटा हुआ पड़ा था। लेकिन उसने जल्दी से अपने भावनाओं को दबाया। इतना कठिन काम कोई, शी सॉ दिस टेरिबल डीड, इस खतरनाक काम को उसने देखा। लेकिन उसके पास अभी रोने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने बेटे के शरीर को एक चादर से लपेटा और रोती हुई आंखों से, वाइपिंग हर आईज शी रैन टू द टेम्पल वेयर द सर्वेंट वॉज वेटिंग फॉर हर विद द डेड बॉडी ऑफ हर सन इन हर आर्म्स, जहाँ पर वो नौकर रुका हुआ था राजकुमार को लेकर। वो अपने बच्चे को चादर में लपेटे हुए उसके मंदिर तक पहुँच गई। पन्ना फाउंड द लिटिल प्रिंस सेफ विद द सर्वेंट, पन्ना ने देखा कि उसका जो राजकुमार है वह सेफ है नौकर के पास। शी टोल्ड द सर्वेंट टू रिटर्न टू द पैलेस एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, उसने नौकर से कहा कि तुम चुपचाप महल लौट जाओ, किसी से कुछ मत कहना। क्वाइटली क्रिमेटेड द डेड बॉडी ऑफ हर सन, उसने चुपचाप अपने बेटे का शरीर का अग्निदाह किया, क्रिमेट किया, जलाया। देन टेकिंग द प्रिंस इन हर आर्म्स, गोद में लेकर प्रिंस को वह चल दी। शी मेड हर वे टू अ सेफ प्लेस। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर सम डेज शी केम टू अ टाइनी स्टेट रूल्ड ओवर बाई आशा शाह। शी वेंट अप टू हिम एंड रिक्वेस्टेड, हियर इज प्रिंस उदय सिंह एंड द फ्यूचर किंग ऑफ मेवाड़। वह चलते चलते राजकुमार के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही थी। चलते चलते एक छोटे से राज्य में पहुंची जहां का राजा था आशा शाह। वो वहां गई और उसने कहा कि ये उदय सिंह है जो भविष्य के मेवाड़ के राजा है। मेवाड़ बहुत बड़ा राज्य था। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, हिज लाइफ इज इन डेंजर, उसने कहा कि उनका ध्यान रखें, उनका जीवन बहुत खतरे में है। डोंट लेट एनीबॉडी नो हु इज द चाइल्ड इज, किसी से नहीं कहिएगा कि ये किसका बच्चा है, कौन बच्चा है। द पीपल ऑफ मेवाड़ विल रिमेम्बर यू विथ ग्रेटिट्यूड फॉर दिस फेवर, मेवाड़ की जनता आपके इस एहसान को बड़े सम्मान के साथ देखेगी भविष्य में। सेइंग सो शी रिटर्न विद अ हैवी हार्ट, ये कहकर पन्ना उदय सिंह को आशा शाह के पास छोड़कर वापस चली आई। पन्ना नरेटेड द होल स्टोरी, और ये जो कांड हुआ इस पन्ना ने उदय सिंह की और अपने बेटे की कहानी राजपूत चीफ, जो राजपूतों में जो सबसे हेड थे, उनको सुनाई। When they learned that the prince of Mewar was alive, जब उन्होंने सुना कि मेवाड़ के राजा जिंदा हैं, they approached आशा शाह, आशा शाह से मिले and brought उदय सिंह back to Mewar, उदय सिंह को आशा शाह से मिलकर वो मेवाड़ वापस ले आए। कौन? राजपूत जी। They put बनवीर सिंह into prison for murdering Panna's latest son, और बनवीर सिंह को जेल पहुंचाया पन्ना के बेटे के कत्ल के जुर्म में। They placed Uday Singh on the throne amidst great popular rejoicing, और उन्होंने उदय सिंह को बड़े ही उससे खुशियों के साथ राजा बनाया। पन्ना sacrificed her own little child to keep the promise which she had made to Queen Karnavati, रानी कर्णवती को जो उसने प्रॉमिस किया था, पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान देकर इस वादे को पूरा किया। शी हैज बिकम अ बायवर्ड फॉर मैचलेस लॉयलिटी एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस। आज भी पन्ना को उनके इस सैक्रिफाइस, बड़े से सैक्रिफाइस और लॉयलिटी, मतलब ईमानदारी के लिए जाना जाता है।